अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप काहे गुदे पानी में काजल बनती? तो क्या करता, तुम्हें मरने देता? अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे राज्य को क्या जवाब देता? तुम्हारे परिवार को मैं क्या जवाब देता? और आपको का फर्क पड़ता? नियम जहरीली जोक है, इसको शरीर से कैसे निकाले? यहाँ तो आसपास ना नमक है ना तंबाकू के पत्ते, ना ही आग करे। आप लोग इन्हें जल्दी अस्पताल लेके जाइए। जुबली की अम्मा, जब तक हमरा लल्ला हमरे पास ना आए ना, तब तक आप हमसे बात करने की भी कोशिश मत कीजिए। हमरा लल्ला कहाँ है? बोला, हमरा लल्ला कहाँ है? लल्ला, ए लल्ला, अरे कहाँ है हमरा लल्ला? Thank you.
मरी हुई जोक देख के डर गई? सोचिए जब ही जहरीली जोक अभय जी के पीठ पे उनका खून चूस रही थी, उन्हें क्या महसूस हुआ होगा? घर की बहू होने के नाते हम मर्यादा का ध्यान रखें। एक लक्ष्मण रेखा थी जिसे हमने कभी पार नहीं किया। हमेशा ही सोचते रहे कि कुछ गलत ना कर दे, कुछ गलत ना बोल दे, कि आपके और आपके बेटे के बीच में कोई दरार ना आ जाए। नहीं चाहते थे कि एक माँ ने बेटे की नजर में गिर जाए, इसीलिए हम चुप थे। पर आज, आज आपकी वजह से आपका अपना बेटा हमारे पति की जान जा सकती थी। क्या तुमने ये पति पति लगा रखा है? एक और बार बोलियो। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। ज्यादा बीच में बोला ना तो परात में डाल के आटे की तरह गूंद देंगे, समझी? मेघा जी का स्वार्थ समझ में आता है? बाबू जी की भी राजनीति समझ में आती है, पर आप खुद अपने बेटे की दुश्मन बन गए? मैंने बचपन से तो यही सुना था कि पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आपने तो उल्टी ही बात कर दी। अरे इतनी नफरत करती हैं आप हमसे कि अपने बेटे की जान के साथ खिलवाड़ कर बैठी? हमरे लल्ला को कुछ नहीं हो सकता। हमरा लल्ला है। नहीं, अगर आज हमरे पति को कुछ हो जाता, भोलेनाथ की कसम खा के कहते हम किसी को भी माफ नहीं करते। ए दो कौड़ी की लड़की, हमको धमका रही है, क्या कर लेगी तू? सबसे पहले तो आप लोगों की सच्चाई अभय जी के सामने लाएंगे।